हेलो दोस्तों, कुकिंग विद अनु में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल COVID-19 का टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से हम बाहर का खाना अवॉइड करते हैं। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि सबका फेवरेट पिज्ज़ा घर में बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं डोमिनोज स्टाइल पिज्ज़ा घर में कैसे बनाते हैं, वो भी माइक्रोवेव में। दोस्तों, जब भी हम माइक्रोवेव में पिज़्ज़ा बनाते हैं तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम आती है कि जो हमारा पिज़्ज़ा होता है वो नीचे से सिक नहीं पाता ठीक से। तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम लेंगे 1.5 कप मैदा, 1 टीस्पून यीस्ट, एक्टिव ड्राई यीस्ट लिया है मैंने, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चीनी, 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, 1/2 कप गुनगुना पानी। चलिए अब सबसे पहले हम अपने यीस्ट को एक्टिव कर लेते हैं। यीस्ट को एक्टिव करते हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो हम पानी लेंगे वो गुनगुना होना चाहिए, ना तो पानी ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी थोड़ा भी गर्म होगा या ठंडा होगा तो यीस्ट एक्टिव नहीं होगा। अब हम एक बाउल में पानी ले लेंगे और उसमें अपना जो चीनी है वो डालकर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद यीस्ट को भी इसमें डालकर मिक्स कर लेंगे और जब ये मिक्स हो जाएगा तब इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढककर किसी गर्म जगह पर रख देंगे। अब एक बाउल में मैदा और नमक लेंगे और उसको छान लेंगे। के बाद इसमें ऑलिव ऑयल डाल देंगे और साथ ही साथ हमारा यीस्ट जो है वो भी इसमें मिलाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यीस्ट एक्टिव हो गया है, इसमें बबल्स दिख रहे हैं। आपको भी इसी तरह का यीस्ट यूज़ करना है। अगर आपका यीस्ट इस तरह से एक्टिव नहीं हुआ हो तो आप उसे यूज़ ना करें, दोबारा से यीस्ट को एक्टिव कर लें, नहीं तो आपकी जो ब्रेड है वो सही नहीं बनेगी। अब यीस्ट को मैदा में डालकर मिक्स कर लेंगे और उसका आटा तैयार करेंगे। वैसे तो इतना पानी इनफ रहता है, लेकिन अगर आपको लगे कि पानी कम है तो ज़रा सा पानी और डाल सकते हैं, लेकिन जो पानी आप यूज़ करेंगे वो गुनगुना ही होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। शुरू में ये आटा हाथों में काफ़ी चिपकता है, पर जब जैसे जैसे ये तैयार होता जाता है इसका चिपकना बंद हो जाता है। अब स्लैब को साफ करके उस पर थोड़ा सा मैदा डाल लेंगे और उसके बाद जो आटा हमने तैयार किया है उसको स्लैब पर ट्रांसफ़र करके उस हथेली से मलेंगे। करीब 10 मिनट तक आटे को मलना है हमें। जैसे कि मैंने आपको बताया, शुरू में ये आटा बहुत ज़्यादा चिपकता है हाथों पर, लेकिन जैसे जैसे आप मलते रहेंगे ये ठीक हो जाएगा, चिपकना इसका बंद हो जाएगा। देखिए, इस तरह से आपको आटे को हथेली से मलना है। देखिए जी, जो हमारा डो है वो तैयार हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी। आप देख सकते हैं ये हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपका हुआ है। अब इस तरह से मैं इसका डो तैयार कर लूँगी। अब एक और बॉल लेकर उसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और फिर जो हमारा डो है वो हम इसके अंदर रख देंगे। और थोड़ा सा ऑयल और उसके ऊपर लगा देंगे। अब इसको क्लिंग रैप से अच्छे से कवर कर लेंगे। अगर आपके पास क्लिंग रैप हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसको किसी भी
प्लेट वगैरह से ढककर रख दीजिए। अब मैं इसे ढककर 1.5 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख दूंगी, जैसे कि किचन या माइक्रोवेव, उसको ऑन करे बिना उसके अंदर भी रख सकते हैं। पिज्जा की टॉपिंग के लिए मैंने प्याज ली है, शिमला मिर्च ली है और टमाटर लिया, इनको मैंने चौकोर चौकोर काटा है। ये मैंने मोज़रेला चीज़ लिया जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। ये नमक लिया है, थोड़ा सा नमक हम पहले भी डाल चुके हैं। ये पिज़्ज़ा सॉस है पिज़्ज़ा बेस पर स्प्रेड करने के लिए, और थोड़ा सा पनीर है जिसको मैंने क्यूब्स में काटा है। आप चाहें तो अपनी पसंद की और भी कोई भी सब्जियाँ यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा डो है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जस्ट डबल हो गया है। अब हम इसे पंचिंग करके इसको थोड़ा सा गूंध लेंगे, ज़्यादा नहीं गूंधना है, बस थोड़ा सा गूंधना है हमें। आप पिज़्ज़ा बनाने से पहले माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री पर प्रीहीट करेंगे। पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है और उसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसको अच्छे से ग्रीस करना है। इस पैन का हैंडल मैंने स्क्रू ड्राइवर से निकाल दिया है ताकि ये माइक्रोवेव में आसानी से आ जाए। अब जो ये डो है उसको इस पैन में हाथों की मदद से स्प्रेड करेंगे। इस डो से आप एक लार्ज या दो स्मॉल पिज्जा बना सकते हैं। मैं एक मीडियम साइज का पिज्जा बना रही हूँ क्योंकि मुझको ब्रेड थोड़ा सा मोटी अच्छी लगती है इसलिए। अब इस तरह से हाथों से इसे इवनली स्प्रेड करना है, बिल्कुल एक सार फैलाना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि ये कहीं से मोटा या कहीं से पतला ना रहे। डो के पतला होने की वजह से इसको फैलाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, आराम से फैल जाता है ये। आप देखिए इसके जो किनारे हैं उनको हम उंगलियों की मदद से थोड़ा मोटा कर लेंगे इस तरह से। अब एक फोक लेके और उससे इसके अंदर बहुत सारे छेद कर लेंगे ताकि ये जब हम माइक्रोवेव में इसको बेक करेंगे तो ये फूले ना। अब छेद हमारे हो गए, इस पर अब पिज़्ज़ा सॉस जो होता है वो लेंगे और उसको स्प्रेड कर देंगे। अच्छे से स्प्रेड करना है पिज़्ज़ा सॉस को, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा कहीं भी। मैंने वीबा का पिज़्ज़ा सॉस यूज़ किया है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी लगा सकते हैं। इसके बाद मैं मोज़रेला चीज़ लूँगी और उसको इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। बहुत सारा चीज़ लगाया है मैंने इसमें, अच्छे से कवर करा इसको चीज़ से। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी टमाटर, शिमला मिर्च, आप चाहें तो पीली या लाल शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। के बाद प्याज, मैंने इन सबको चौकोर काटा है, आप चाहें तो गोल गोल काट कर उसे हाफ कर सकते हैं। और लास्ट में मैं डालूंगी इसमें पनीर। सबको मैंने एक सार सा सब तरफ डाला है, कोई भी चीज़ कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं है, एक बराबर डाली है। आप चाहें तो ऑलिव, जलपेनो, कॉर्न, मशरूम, रेड पेपर का भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब इस पे थोड़ा सा नमक डालेंगे। और अब ये बेक होने के लिए तैयार है और अब इसे बनने के लिए माइक्रोवेव में रखेंगे। हमारा माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड पर प्रीहीट हो चुका है, अब 180 डिग्री पर 20 मिनट के लिए हम अपने पिज्जा को बेक करने के लिए रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा पिज्जा रेडी हो गया है, हमने इसे 20 मिनट के लिए बेक किया है। ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसे निकाल लेंगे।
देखिए ये ऊपर से हमारा बिल्कुल तैयार है, हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर जब भी हम माइक्रोवेव में पिज़्ज़ा बनाते हैं तो हमारा पिज़्ज़ा ऊपर से तो बन जाता है, लेकिन ये नीचे से ठीक से सिक नहीं पाता, हल्का सा कच्चा रह जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर गैस पर रख देंगे। अब हमने गैस को बिल्कुल कम करके 5 मिनट के लिए पिज़्ज़ा को ढककर पकने के लिए रख दिया है, इससे ये नीचे से भी सिक जाएगा। गैस बिल्कुल लो कर दी है मैंने, 5 मिनट हो गए हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए ये अब बन चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब ये नीचे से भी सिक गया है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो गया है, अब हम इसको कट कर देंगे और फिर इसके ऊपर पिज़्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स डालेंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो दोस्तों पिज़्ज़ा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो एक नई डिश के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।